आज तो मैं एक एक फूल चुन चुन कर दादाजी का रूम सजाऊंगा। जब वो ध्यान लगाएंगे तो इनकी खुशबू में ध्यान मग्न हो जाएंगे। आखिरकार इस जंगल जैसे फूल दूर दूर तक कहीं और नहीं मिलते हैं। ये गुड़गुड़ की आवाज कैसी? मैं तो घर से भरपेट खाना खाकर आया था। ये आवाज तो कहीं और से आ रही है। अरे कर भला तो हो भला, लगता है ये वोल्केनो फटने वाला है। हेलो, मैं हूँ जादूगर ज्वालामुखी, लेकिन मैं बहुत हूँ दुखी। थोड़ी सी मस्ती कर लो। कर लो, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा ना, मजा आया ना? अच्छा लगा? अरे कर भला तो हो भला, भागने में ही है अपना भला। मैंने अभी तो मस्ती शुरू ही की थी, वो भाग गया। चलो पीछा करता हूँ। जादूगर ज्वालामुखी, पर मैं बहुत दुखी हूँ। थोड़ी सी मस्ती कर लूं? हाँ, कर लो कर लो। थैंक यू। नाम है जादूगर ज्वालामुखी, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। जब भी मैं मस्ती करता हूँ तो लोग अपने आप ही जल जाते हैं। मैं क्या करूँ? तुम भी देखोगे? ये देखो, मायरा, वरुण, बचो। अरे कर भला तो हो भला, नहीं हो बुरा। जादूगर भैया, मेरे साथ तो तुमने एक बार मस्ती कर ली थी ना, मुझे तो बख्शी दो। मजा आ रहा है, जाओ कहीं जाके खेलो कूदो और मुझसे टक्कर मत लो। मेरी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। जादूगर ज्वालामुखी, रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। बाईस का जो बाईस का सकूं। मैंने सोचा तुम छोटे हो, पर अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो चलो। Oh!
तुम में से कोई नहीं बचेगा। जादूगर ज्वालामुखी, तुम्हारी मस्ती यहाँ नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जयसिंह चौहान अपनी सिटी की सुरक्षा के लिए चट्टान बनकर खड़ा है। जयसिंह चौहान, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, पर तुमने बीच में आकर अच्छा नहीं किया। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं सॉरी बोलूं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा और यहाँ से जाना भी पड़ेगा। क्या बोला तुमने? मैं सॉरी बोलूंगा? जादूगर ज्वालामुखी सॉरी बोलेगा? सिपाइस का सकूम फ्रीजो। जादूगर ज्वालामुखी, कान खोलकर सुन लो, जब तक जयसिंह चौहान यहाँ है तब तक तुम सन सिटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जयसिंह चौहान, जब तक तुम सन सिटी में हो मैं यहाँ थोड़ी सी भी मस्ती नहीं कर सकता। ऐसा है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों, ये लो, रंगीला के हाथों से रंग बिरंगा फ्रेश फ्रूट जूस। थैंक यू। रुद्रा, मुझे तुम पर नाज है, आज तुमने बहुत बहादुरी से जादू करके मेरा साथ निभाया। थैंक यू दादाजी। मुझे लगता है ज्वालामुखी के बॉडी के चारों ओर जैसे कोई फायरबॉल हो, उस पर तो छोटे मोटे पानी का कोई असर ही नहीं होता है। अगर वो फिर से आ गया तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रुद्रा, सबसे पहले तुम्हें पानी को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक बार तुमने वो सीख लिया तो जादूगर ज्वालामुखी बड़ी आसानी से कंट्रोल में आ जाएगा। समझ गया दादाजी, पर वो करेंगे कैसे? आसान है, पर हर मुसीबत से निपटने का सबसे पहला गुरुमंत्र क्या है बताओ जरा। मुझे पता है दादाजी, फोकस एंड बिलीव। रुद्रा, अगला मंत्र ध्यान से सुनना, इस मंत्र के बोलते ही तुम जमीन से पानी की बौछार निकाल पाओगे। पहला मंत्र है फोकस एंड बिलीव, अब मैं दूसरा मंत्र भी सुन लेता हूँ, उसके बाद मैं खुद की रक्षा तो कर ही सकता हूँ। सिपाइस का वाटर फाउंटेनो। अरे कर भला तो हो भला, दादाजी आपने मुझे पानी से क्यों उछाला? रंगीला, क्यों हो गया ना गीला? छुप छुप कर जादू सीखना नहीं छोड़ोगे तो ऐसे ही हर बार कहीं उड़ते मिलोगे। प्लीज दादाजी, मुझे नीचे उतारिए ना। हाय रे, कमर टूट गई।